प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट चारिफ यूनिवर्सिटी, मैं इतिहास का दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं यहाँ हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक का, आपके लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, आपके एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर नेट जीआरएफ, आपका कोई सा भी एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी का, आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी हिस्ट्री के लिए, ऑब्जेक्टिव हो या फिर पीवाई के फॉर्म में। तो जो आज हमारा टर्न है वो भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, इसके लेखक अरविंद भास्कर सर, कुलदीप फेनन सर और पप्पू सिंह प्रजा सर की किताब है। और बात करते हैं इसके बैक कवर की, तो यहाँ लेखकों का परिचय स्टेप से मिल जाता है, या आपको अमेजन फ्लिपकार्ट और माई बुक पिकअप पर मिल जाएगी, या आपको 600 से आपको 550 के रुपए बीच में मिल जाती है। तो बात करेंगे आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल होगी, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा, ये इसकी अनुक्रमणिका आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये आपको बुक परचेस करनी है तो स्टेप से आपको यहाँ काफ़ी सारे एड्रेस मिल जाते हैं, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये मध्यकालीन आ गया, फिर आपका आधुनिक भारत है, इसमें टोटल पेपर आपके 870 हैं। ये आपका प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत स्टेप से आपकी चैप्टर वाइज किताब है, आपका हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, उनकी फिर व्याख्या है वो पप्पू सर किताब से या फिर अरविंद जी किताब से, जितने भी बुक से क्वेश्चंस आते हैं उन सब से यहाँ पर मैटर लिया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारी बुक के नए नए नाम जानने मिल जाएंगे, मोस्टली यहाँ सर ने अपनी ही बुक्स का और अरविंद जी सर की किताब का ही प्रयोग किया है। आप इसे बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पढ़ेंगे व्याख्या, आपको पेज नंबर भी यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं, इस टाइप से मिल जाते हैं। इसका सेकेंड चैप्टर मैंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम प्रागैतिहासिक और आदिऐतिहासिक पाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करके, जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ टिप्स बता, जैसे गोल यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप जैसे कि सर्कल बना सकते हैं या कुछ चम्मच या स्टार बना सकते हैं, सबका एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है। तो मेरा ये है कि मुझे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट दे रहे थे तो मैंने इन्हें गोल कर दिया, जब मैं नेक्स्ट टाइम इसे दोबारा या तीसरी बार इसे रिविजन करूँगा तो मेरे को सिर्फ ये गोल वाले क्वेश्चन देखने, आप यहाँ पर कुछ हाईलाइटर का भी उपयोग कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे कि हम क्वेश्चंस ये जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपको बहुत सारे नेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आरपीएससी, ये हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इस वाली बुक से जो आपकी आगामी परीक्षा में हेल्पफुल कर सकते हैं। इस पैटर्न क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हम टेस्ट भी चला रहे हैं टेलीग्राम पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इस टेस्ट सीरीज का है, उसमें हम ऑडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं टेस्ट सीरीज, फिर आपके ऑडियो लेक्चर्स के बाद हम आपको क्विज के माध्यम से आपकी तैयारी कराते हैं। आप उस टोटल कोर्स का जो प्राइस है 1500 रुपये है, आप आ सकते हैं हमारे साथ हमारे यहाँ पर, तो बहुत सारी बुक का हमने प्रयोग करा, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सभी बुक जो टेस्ट सीरीज के लिए ले रखी है अपनी, आप जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैं आपको सारे डेस्कों में जानकारी दे दूँगा, विनर सर हैं वो, आपको पूरा कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं उनसे कि आपके लिए कैसे, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सिलेक्ट करके हम फिर आपके लिए बहुत अच्छा मैटर तैयार करते हैं, आपके आगामी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इस पैटर्न क्वेश्चन बन जाएंगे। तो टीम है हमारी काफ़ी बड़ी जो काम करती है आप सभी के लिए, स्टेप से देख सकते हैं मैंने सर्कल बना रखे, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो स्टेप से पूरी बुक पैटर्न पे लिखी गई है सिंधु सभ्यता। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोत, आप इसे अच्छे से पढ़ें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ का एग्जाम हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, रिसेंटली आपका एग्जाम होने वाला है तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें इस वाली बुक को, काफ़ी शानदार तरीके से प्रोवाइड कराई गई हैं। मध्यकालीन भारत में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत स्थापना सकते हैं, आप पढ़ इसका 16 चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत स्थापना विस्तार प्रशासनिक व्यवस्था राजा व्यवस्था आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास, इससे भी आप अच्छे से डील करते चलेंगे, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है, इसके अलावा आप जान सकते हैं कि हमने इतनी सारी बुक का रिव्यू करा है। उस टॉपिक हम आधुनिक भारत को देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ सकते हैं यहाँ छेदे शक्ति का उदय, ये आपका आधुनिक भारत यहाँ से स्टार्ट दे रखा है इस किताब के अंदर, इससे अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपका फर्स्ट चैप्टर
देख सकते हैं आपका आधुनिक भारत यहाँ से स्टार्ट हो गया दोस्तों। यहाँ से आप पढ़ें, अपना भी जज करें, आपकी सेपरेट बुक मिल जाती है। यदि आप आधुनिक भारत चाहते हैं तो अरविंद भारत सर की किताब आती है, उसका आपका आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया है, क्षेत्रीय शक्ति का उदय सेम किताब आती है। यदि आप चाहते हैं सेपरेट लेने के लिए तो अरविंद सर और कुलदीप सर की सेपरेट बुक मिल जाती है, ये उसी का यहाँ पार्ट मर्ज किया गया है इस किताब के अंदर, तो मैंने उसके सेपरेट रिव्यू किया है, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। सेम कंटेंट है यहाँ पे, आपको मिल जाता है कौन सा क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से लिया गया है। इस बुक की सबसे खास बात लगती है यहाँ पे आपको सोर्सेज भी प्रोवाइड कराए गए हैं। इस स्टेप से पूरी बुक डिज़ाइन की गई है, चैप्टर वाइज है। मैं सब बच्चों से यही कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम है आप चैप्टर वाइज बुक लें, सबसे बेस्ट रहता है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके आप सॉल्व करें। आप वीडियो पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये PYQ फॉर्म में आपका जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर होते हैं वैसे पैटर्न पे है, चाहे आपकी करंट पब्लिकेशन की किताब हो दोस्तों, या फिर आपकी ये वाली किताब हो घटना चक्र की किताब हो, या फ्रेंड्स आपकी, या फिर आपकी AGP वाली पब्लिकेशन की किताब हो, इन सब का आपने रिव्यू किया है, एक कंपेरिजन वीडियो बनाया था, आप जाके चैनल पर देखें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, कैसे कैसे हेल्पफुल रहेगी। तो पूरी बुक स्टेप से डिज़ाइन की गई है, आप अपना भी जज करें और अपने लिए बेस्ट बुक सेलेक्ट करें, हमारा सिर्फ यही मोटिव है। और जल्दी से हम आप चैनल को बहुत सारी बुक का रिव्यू मिल जाएगा, आप चैनल विजिट करें, हमारे चैनल पर आपको 200 प्लस बुक का रिव्यू हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया, वहाँ जाए चैनल पर देखें और विजिट करें और अपने लिए बेस्ट बुक सेलेक्ट करके अपनी सफलता को निर्धारित करें। हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है, आप सभी को हमारे वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ना भूलें। आप सभी धन्यवाद, दिल से आभार।